हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक सिंगल कलर में डिजाइन बनाना सीखेंगे। इस डिजाइन को लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, जेंट्स हाफ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, ब्लैंकेट में, शॉल में, स्टॉल में, हर प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 8 मल्टीपल के फंदे चाहिए। 8 मल्टीपल करने के बाद 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए एज द स्टिच के लिए। और ये 12 सिलाई का डिज़ाइन है। 12 सिलाई में हमें बार बार रिपीट करनी है। ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है। सीधी साइड इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। और ये डिजाइन की उल्टी साइड है। उल्टी साइड इस तरह से नज़र आती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ इसी तरह के नए नए डिजाइन देखने के लिए आपको मिलते रहेंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने इसमें 18 फंदे लिए हैं। 16 फंदे 8 के मल्टीपल करके हैं और 2 फंदे एज द स्टिच के लिए लिए हैं। तो ये हमने 2 सिलाई उल्टे की बना ली हैं इसमें। अब यहाँ से हमारी सीधी साइड है फर्स्ट रो। ये डिजाइन सीधी साइड से स्टार्ट होता है तो हमारी सीधी साइड है फर्स्ट रो। यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप पर, उन आगे करेंगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 फंदे आ गए। बार बार रिपीट करने हैं। सबसे पहले 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया बैक लूप से और 3 फंदे उल्टे बनाए। अब इन्हीं फंदों को हम रिपीट करते हैं। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, उन पीछे ऐसा स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं। ये हमारी पहली सिलाई पूरी होती है। दूसरी सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पीछे लेकर जाएंगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, ऊन आ गए, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। 3 फंदे सीधे बनाए, फिर 5 फंदे उल्टे बनाए, यही 8 फंदे आ गए। बार बार रिपीट करने हैं। ऊन पीछे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, ऐसा स्टिच का फंदा भी उल्टा बना लेना है। ये दूसरी सिलाई पूरी। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, ऊन आ गए, 2 फंदे उल्टे बनाने के, 1 2, ये देखिए अब यही 8 फंदे आ गए। बार बार रिपीट करने हैं। ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद 4 फंदे सीधे बनाए हैं, जाली बनाई है, 2 फंदों का एक फंदा बनाया बैक लूप से, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, अब यही 8 फंदे आ गए। बार बार रिपीट करते हैं। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, जाली बनाएंगे, एक फंदा पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, ऊन आ गए, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2, ऐसे स्टिच का फंदा सीधा बना लेना है। ये तीसरी सिलाई पूरी होती है। यहाँ पर हमारे 2 डिजाइन बनकर आ रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो हमने इसमें 2 डिजाइन बनाकर दिखाए। उल्टी साइड है तीसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1
दो ऊन आगे लेकर आएंगे, छह फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट होता है। ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद दो फंदे सीधे बनाए हैं, छह फंदे उल्टे बनाए हैं, यही फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो ऊन आगे, आखिर छह फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। ऐसे स्टिच का फंदा उल्टा बना लेते हैं। ये चौथी सिलाई भी पूरी होती है, फोर्थ रो कंप्लीट होती है। पांचवी सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा पलटकर सीधा फंदा बनाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, ठीक है। अब यही आठ फंदे आ गए बार बार रिपीट करने। ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद पांच फंदे सीधे बनाए हमने, फिर जाली बनाई है, दो फंदों का एक फंदा बनाया है बैक लूप से, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये आठ फंदे होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ फंदों का एक डिजाइन कंप्लीट होता है। अब यही आठ फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, जाली बनाएंगे, एक फंदा पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यही आठ फंदे आगे बार बार रिपीट करें और एस दस टीच का फंदा सीधा बना लेते हैं। ये पांचवी सिलाई पूरी होती है। छठी सिलाई है रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे, सात फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद हमने एक फंदा सीधा बनाया है, सात फंदे उल्टे बनाए हैं, यही आठ फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा बनाना है, सात फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात। ऐसे स्टिच का फंदा उल्टा बना लेना है। ये छठी सिलाई भी पूरी हो, सिलाई पूरी होने पर हमारा हाफ पैटर्न बनकर आया है। अब हमने छह सिलाई और बनानी है, सातवीं सिलाई है सीधी साइड। अब ये जो फली इधर से बनकर आ रही है, अब हमने ये इधर से बनानी है, तो ये सातवीं सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेकर आएंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप, ठीक है। ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तीन फंदे उल्टे बनाए हैं, दो फंदों का एक फंदा बनाया आगे की साइड से, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया बैक लूप से, यही आठ फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। ऊन आगे, तीन फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन, ऊन पीछे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा पलट कर सीधा फंदा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से। ऐसे स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं। ये सातवीं सिलाई पूरी। आठवीं सिलाई है रोंग साइड, उल्टी साइड की आठवीं सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बनेंगे, फिर उसके बाद ऊन पीछे लेकर जाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। ऐसे स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद हमने पांच फंदे उल्टे बनाए हैं और तीन फंदे सीधे बनाए हैं। इन्हीं फंदों को आगे आगे बार बार रिपीट करेंगे, ऊन आगे लेकर आएंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन।
एस 10 स्टिच का फंदा उल्टा बना लेते हैं। ये 8वीं सिलाई की पूछ सीधी साइड है 9वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेकर आएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। तीन दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, जाली बनाएंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, इन्हीं फंदों को आगे बार बार रिपीट करेंगे। एच 10 स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद दो फंदे उल्टे बनाए हैं, एक फंद दो फंदों का एक फंदा बनाया आगे की साइड से, जाली बनाई, चार फंदे सीधे बनाए। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म होता है। अब फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे, ऊन आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, ऊन पीछे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, जाली बनाएंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। एस 10 स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं, ठीक है। ये 9वीं सिलाई भी पूरी। 10वीं सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, छह फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, उन पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो। अब यहाँ एस 10 स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद हमने छः फंदे उल्टे बनाए हैं और दो फंदे सीधे बनाए हैं, यही आठ फंदे आगे रिपीट करते रहना है। छः फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, उन पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो। एस 10 स्टिच का फंदा उल्टा बना लेना है। ये 10वीं सिलाई भी पूरी होती है। 11वीं सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेकर आएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, इस तरह से जाली बनाएंगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब यही आठ फंदे आगे बार बार रिपीट कर लेंगे। ऊन आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, जाली बनाएंगे, फिर पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। ऐसा स्टेज का फंदा सीधा बना लेते हैं। इस तरह से ये 11वीं सिलाई पूरी होती है। 12वीं सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, सात फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, वो पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। एस 10 स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद सात फंदे उल्टे बनाए हैं, एक फंदा सीधा बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट होता है। यही आठ फंदे आगे बार बार रिपीट करने, ऊन आगे करेंगे, आठ फंदे उल्टे बनाएंगे, सात फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। एस 10 स्टिच का फंदा उल्टा बना लेना है। ये 12वीं सिलाई भी पूरी होती है। 12 सिलाई पूरी होने के बाद हमारा डिजाइन ये बनकर आया है इस तरह से। अब 12 सिलाई पूरी होने के बाद फिर से एक बार फर्स्ट रो से रिपीट करते हैं। 12 सिलाई बार बार रिपीट करने पर इस तरह से ये डिजाइन बन कर आया है। अभी हमने ये एक डिजाइन बनाया है, ये और बड़ा होने के बाद और अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप इस डिजाइन को बनाएं और कार्डिगन जैकेट में हर प्रोजेक्ट में बनेगा ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए, उससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।